myself, Rakesh Kumar, Maths teacher, Aap Shivaji Gopal Institution. Math class में 6th class Hindi medium के बच्चों का स्वागत है. बच्चों exercise number 6.1 के question number 4 तक आपने अध्ययन कर लिया था. Question number 5, 6 और 7 इसमें से तीन question और हैं, इनको भी आप देख लीजिए तो आपका exercise number 6.1 का revision भी complete हो जाए. तो क्वेश्चन नंबर फाइव में है, निम्न को समान दशमलव संख्याओं में बदलिए. पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है इसका, 4.21, 4.21, फिर गामा 0.421, गामा 421.1, 421.1, तो इनको समान दशमलव संख्याओं के रूप में बदलना है. तो जो दशमलव के नीचे वाले अंकों को पहले हम देखते हैं, तो इसमें दशमलव के नीचे 2 अंक है, इसमें दशमलव के नीचे 3 अंक है और इसमें दशमलव के नीचे 1 अंक. तो हाईएस्ट दशमलव के नीचे इस संख्या में 3 अंक है, तो इसका मतलब है हमको 3 अंकों तक सभी को बराबर करना है. तो आंसर आपको मिलेगा 4.210. देखो इसमें भी 3 अंक हो गए, गामा लगा देंगे 0.421, इसमें तो जितने थे 3 थे, 3 ही है. फिर गामा 421.106, ये इसका आंसर हो गया. समान दशमलव संख्याओं के रूप में इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी है और थर्ड पार्ट भी है. थर्ड पार्ट इसका और देखें, थर्ड पार्ट में है 0.005 गामा 505. ये तीन संख्याएं, तो इनमें देखिए इसमें तो कहीं दशमलव नहीं है, इसमें भी कहीं दशमलव नहीं है. जब दशमलव कहीं नहीं होता है तो सबसे नीचे होता है. दशमलव के नीचे सबसे अधिक 3 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब है दशमलव के नीचे सभी में 3 संख्याएं कर रही है. तो 0.0 ये आंसर है, 0.005 गामा 500.000 गामा 505.000, सभी में दशमलव के नीचे 3 अंक हो गए. अब क्वेश्चन नंबर सिक्स में निम्नलिखित संख्याओं में रेखांकित अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए. क्वेश्चन नंबर 6, स्थानीय मान ज्ञात करना है जो रेखांकित है. तो पहला है हमारे पास 25.246, फर्स्ट पार्ट है 25.264, और लगा तो इसमें है 5 में, लेकिन 5 में नहीं होना चाहिए, 6 में होना चाहिए. का मतलब नहीं, अगर यहाँ 5 में लगा हो तो आप 5 को बता देंगे, 6 में लगा हो तो 6 का स्थानीय मान बता देंगे, 2 में लगा हो तो 2 का स्थानीय मान बता देंगे, और 4 में लगा हो तो 4 का स्थानीय मान बता देंगे. वैसे अगर हम इसको एक्सपेक्टेड फॉर्म में नोट कर दें तो सभी अंकों के स्थानीय मान मालूम हो जाएंगे. जैसे इसको लिखना है तो हो जाएगा 20, इकाई दहाई, यानी 2 दहाई के स्थान पर है तो 20 हो गया, 5 इकाई के स्थान पर है तो प्लस 5 हो गया, और प्लस अब ये 2 दशमा 2/10 होगा, और प्लस ये दूसरा 6/100 होगा, समा हो गया, प्लस 4/1000 हो गया, इनका ये स्थानीय मान है.
अगर छह के नीचे अंडरलाइन खींचा हुआ है तो छह सवा हो गया, चार के नीचे खींचा होता तो चार हजार हुआ हो जाता, और दो के नीचे अगर खींची होती लाइन तो दो दसवा हो जाता, पांच के नीचे तो पांच, दो के नीचे अगर होती तो बीस। शायद आपको आ गया होगा, क्योंकि इसमें आंसर के हिसाब से गलत ढंग से इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि हमको अंडरलाइन वाले का मान कैसे बताना है, तो आप देख करके ही बता सकते हैं, या सभी के मान मैंने निकालना बता दिया तो आप सभी के मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से सेकेंड पार्ट में है इसका 0.789 और एक में इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हो जाएगा एक समा, क्योंकि ये दसवां है, अगर हम पूरे को लिखते हैं तो 7/10 और प्लस 8/100 और प्लस 9/1000 इस तरीके से होगा इनका मान। और इस मान को आपको बताना था, चूंकि अंडरलाइन आपकी 8 है, तो ये हो गया 8/100 या 8 का समा। ठीक, अब 7 नंबर, 7 नंबर में है निम्न दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़ा। संख्याएं हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट में है 0.8, 0.7, 0.57, 0.57, 0.71, 0.71 और फिर कामा, तो 0.36, 0.36, इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले तो हम जीरो के ऊपर वाले अंकों को देखते हैं। देखिए इसमें ऊपर वाले अंकों में सभी जगह जीरो जीरो है, इसलिए हमको उनको देखने की जरूरत नहीं है। अब दशमलव के ठीक नीचे वाले अंक को देखते हैं, जो बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी, और जो अंक छोटा होगा वो छोटी होगी। कभी कभी ऐसा होगा कि दो अंक बराबर बराबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब दो बराबर होंगे तब हम आगे वाले अंक से कंपटीशन करेंगे, उन दोनों में से कौन सा छोटा या बड़ा है। तो सबसे पहले छोटा अंक कौन सा है, इसमें 0.8 है, 0.5 है, 0.7 है, 0.3 है, ये 3 सबसे छोटा है, तो पहले हम लिखेंगे 0.36। स्मॉलेस्ट नंबर है ये में से, तो सबसे पहले इसको लिख देंगे और इस तरीके का साइन नोट करेंगे। इसके बाद दशमलव के नीचे 5 आता है, 0.57 हो गया, और फिर इस तरीके से साइन नोट करेंगे। अब 0.7, 0.71 और फिर लास्ट में 0.8, ये इसका आंसर। ऐसे ही आप एक और लिख सकते हैं, 18.24, 105.03, फिर 105.01, 105.01, इन संख्याओं को भी आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम एसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में देखिए सबसे छोटा पहले लिखना है। सबसे छोटा लिखने के लिए आप दशमलव के ऊपर संख्या लिखी है, इसलिए पहले हम दशमलव के ऊपर वालों का कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें दशमलव के ऊपर 18 है, इसमें दशमलव के ऊपर 105 है, इसमें भी 105 है, सबसे छोटी संख्या आपको मिल गई 18.24, और इधर फिर से रूल लगा दिया। अब
दशमलव के ऊपर, इसमें भी 105 है, इसमें भी 105 है, तो अभी तो हमको पता ही नहीं चला कि इनमें से कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है। फिर दशमलव के नीचे वाला भी देखते हैं, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो आगे भी पता नहीं चला कि कौन सी संख्या बड़ी है। फिर अगले वाले को देखते हैं, इधर 3 है और इधर 1 है, दशमलव के दूसरे अंक में इसमें 3 है और दशमलव के इसमें दूसरे अंक में 1 है, तो 3 बड़ा होता है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी हो गई या छोटी हो गई। और लास्ट में ये संख्या लिख देंगे 105.03। इट इज योर आंसर। बच्चों समझ गया होंगे, एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब अगले क्लास में योग की संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे।